सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला डेडिकेटेड है बायोलॉजी प्रैक्टिकल सीरीज बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे नेसेसरी इक्विपमेंट्स फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम। सो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए या प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट नेसेसरी होते हैं, इनकी हम अब बात करेंगे। देखिए, आप जो स्क्रीन पर ये जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये सारे इक्विपमेंट आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन हमें इसका नाम नहीं पता होता है। और दूसरी बात यह कि हमें इसका फंक्शन भी नहीं पता होता है। तो आज हम इसके फंक्शन के बारे में और उसके नेम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि व्हाई इट इज अ वेरी नेसेसरी इन प्रैक्टिकल। सो लेट्स डिस्कस। सो ये सारे जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, ये आपको एक टिपिकल सिंपल डाइसेक्शन बॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो डाइसेक्शन बॉक्स में सबसे पहले एक स्कैपल होता है। स्कैपल का जो बेसिकली फंक्शन होता है कोई बेस देने के लिए, ठीक है, या जो डाइसेक्शन कर रहे हैं उसे एक हैंड करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, ठीक है, और कुछ क्लियरिटी के लिए जो फ्लैश होता है उसको बेसिकली देखने के लिए, क्लियरिटी के लिए यूज किया जाता है। जो ब्लो पिन होती है उससे हम हेल्प लेते हैं, जो स्क्वैश होता है, फ्लैश होता है, उसको हटाने के लिए, ठीक है। डीप जो भी हम डाइसेक्शन कर रहे हैं उसको विजिबिलिटी के लिए, उसको हटाने के लिए, ठीक है, ये काफी सारे मेनली वर्क करते हैं। स्पैटुला जो होता है बेसिकली जितना भी आपका एक्सेस ऑफ जो टिश्यू है या सेल है उसको हटाने के लिए काम करता है, तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रश। तो जो ब्रश होता है वो बेसिकली क्या करता है कि क्लीनिंग के लिए, सैनिटेशन के लिए हेल्प करता है। अनदर जो ड्रॉपर होता है वो भी जस्ट लाइक जैसे ब्रश काम करता है कि वो क्लीनिंग एंड सैनिटेशन के लिए करता है, हालांकि दोनों डिफरेंट होते हैं। ड्रॉपर क्या करेगा, उसको वाटरिंग करेगा देन क्लीन करेगा, तो ये चीज बहुत ध्यान देने योग्य। तो ड्रॉपर का यूज बेसिकली स्लाइड माउंटिंग में भी करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हैंड लेंस का प्रयोग हम बेसिकली देखते हैं कि मतलब स्टडी के लिए, एक स्टडी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, जो रेजर होता है, रेजर से मेनली डाइसेक्शन होता है, ठीक है, डाइसेक्शन विदाउट रेजर नहीं हो सकता है, तो ये बात याद रखनी है कि जो डाइसेक्शन होता है वो बेसिकली क्या कहते हैं, रेजर से ही होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डाइसेक्शन बॉक्स, देखिए लार्ज फॉर्सेप होती, तो फॉर्सेप जो होती है वो बेसिकली उसको होल्ड करने के लिए होती है, ठीक है, हम उससे पकड़ सकते हैं, उसको डाइसेक्ट कर सकते हैं। वैसे स्मॉल फॉर्सेप जो होती है थोड़ा पॉइंटेड ज्यादा होती है, ये पॉइंटेड ज्यादा होती है, तो हम इसे जो टिश्यू है उसको होल्ड कर सकते हैं, जो बेसिकली डाइसेक्शन करना है उसमें हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। जो लार्ज सीजर होती है, बेसिकली लार्ज सीजर का काम होता है कि टिश्यू को अच्छे से कट करना, और जो स्मॉल सीजर होती है, ठीक है, देखिए जो मेजर और डीप कट होता है ना वो इसी से हम लोग करते हैं। और नॉर्मली जो कट होता है कि कोई भी टिश्यू हटाना है मतलब, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल सीजर का, ठीक। एंगुलर सीजर वहां यूज की जाती है जब पर्टिकुलर कोई ट्रायंगल पे हमें डाइसेक्शन करना है, या कोई स्पेसिफिक पर्पस है तो उसके लिए हमें डाइसेक्शन करना है, या ऐसे टिश्यू को हटाना है जो बेसिकली कुछ जिगजैग मोशन में है, ठीक है, तो उन्हें एंगुलर सीजर से हटाया जाता है, तो ये बात याद रखेंगे। देखिए, और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है कि एक डाइसेक्शन बॉक्स हमारे पास होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट थिंग्स में आता है, डस्टर और ए पीस ऑफ द कॉटन क्लॉथ, एक कॉटन क्लॉथ होना चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए हमारे पास जिससे कि हम मतलब मेंशन कर सके, रबड़ होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, पेंसिल, शार्पनर, ड्रॉपर, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। देन
एक बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल नोटबुक भी होनी चाहिए, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि कोई भी चीज जो हमें बताई जा रही है, गाइडलाइन दी जा रही है, हम उसे एक नोट वे में की पॉइंट्स में लिख लें, देन हम अपना प्रैक्टिकल कर सकें, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर है बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल बुक, दिस इज अ वेरी नेसेसरी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि गाइडलाइन तो दे दी लेकिन हम टर्म्स को भूल जाते हैं, की पॉइंट्स को भूल जाते हैं, या उसका सीक्वेंस कुछ हमसे गड़बड़ लिख गया है या कुछ भी है। तो प्रॉपर तरीके से हर चीज डाइसेक्शन को करने के लिए हमारे पास एक बायोलॉजी की प्रैक्टिकल बुक होती है। तो अलग 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 डाइजेशन डाइसेक्शन के लिए और अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग बुक्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं। सो आई होप कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला, थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।